सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल मुंबई इरफान ब्लॉग्स। तो भाई साहब अभी दोपहर के बज रहे फिलहाल 12:30 और हमारी ट्रेन जो फिलहाल अभी एक स्टेशन पे आके रुकी है भाई जबलपुर, और यहाँ पे इसका हॉल्ट जो अभी 10 मिनट का फिलहाल। तो मैंने सोचा भाई चलो फटाफट अभी यहाँ पे एंट्री देते भाई इसका। भाई सर ट्रेन में एक दिक्कत ये है कि इसमें ना पैंट्री कार्ड भी नहीं लगा हुआ, तो खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फिलहाल। तो अभी इस स्टेशन में रुक के भाई हम लोग फिलहाल कुछ ले रहे हैं खाने पीने का सामान। तो भाई सर देखो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे एक खीरा, चलो इसको खाते हैं भाई। और भाई साहब सबसे अच्छा ये चीज़ है ना कि हमारे खाला वाला भी साथ में आए, तो वो लोग अपना खाना वाला लेके आए भाई। तो फिलहाल चल रहा हूँ वहाँ पे खाना खाने के लिए, और कुछ जो ट्रेन में खाने का सामान लेगा वो लेके चलते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब फाइनली भी मैंने खाना ना खा लिया, और खाना खाने के बाद में अपना एक सब जो मेरा एक साथ में ना भाई उसके लिए भी खाना ले लिया, चलो फटाफट लेके चलते हैं खाना। ए भाई चलना। और भाई साहब ये रहा देखो हम लोग का कोच, फिलहाल ये भी खाना खा रहा है, और सामान देखो फिलहाल कहाँ पे रखा है, उतने में सामान रख के इतने में बैठ के खाना खा रहा है। एक सीट ये हम लोग का है, ये क्या है बीच वाला, चलो सही है, नीचे पानी ले लेना है, चलो सही है भाई। सामान देख रहे हो, इधर भी सामान है बाकी नीचे भी सामान। कोच की हालत देखो फिलहाल पूरे भूसे की तरह भरे हुए हैं भाई। सुबह से फिलहाल अभी खाना ना खाने के बाद में बैग को मैंने बना लिया भाई तकिया, और फिलहाल जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है भाई, ट्रेन में टाइम नहीं पास होता भाई। अरे 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 भाई, जहाँ एक रात लगना था वहाँ इसमें 2 रात लगने वाला है इस बार, एक रात अभी और बिताना इस ट्रेन में, चलो टाइम पास करते हैं। सो भाई साहब फिलहाल अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मतलब मैंने भी एक मूवी फिलहाल भी ख़त्म कर भाई। और भाई अभी देखो ट्रेन स्टेशन से मतलब जिस स्टेशन पर भी रुकने वाली है फिलहाल वहाँ से भी 10 किलोमीटर पहले ही रुकी खड़ी है भाई, पता नहीं क्या लंग रंगवा स्टेशन का नाम है भाई, मतलब पता ये स्टेशन है कि क्या है पता नहीं, लंग रंगवा यहाँ पे खड़ी है भाई आके, और जो मेन स्टेशन पे रुकने वाली है अभी 10 से 12 किलोमीटर है वो, अब देखो कितने टाइम में ऐसे निकलेगी भाई। भाई साहब फिलहाल अभी आधा घंटा हो चुका है यार खड़े, हम लोग मतलब गेट पे बैठे हैं कि भाई ट्रेन अब निकले, पता नहीं इसका क्या सीन चल रहा है कि ट्रेन यहाँ से निकल ही नहीं रही है भाई। मतलब जितना इसने कवर किया था ना आधे से एक घंटा, वो यहीं पे ही ख़त्म हो गया भाई, मतलब अभी 7 से 8 घंटा लेट चल रही है ट्रेन हमारी। और मतलब बस्ती पहुंचाने का टाइम जो इसका था ना फिलहाल वो 11:30 का था, अभी सुबह में 6:30 तक पहुंचेंगे, या फिर और लेट भी हो सकती है भाई, कुछ कह नहीं सकते इस ट्रेन का। तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है भाई इस ट्रेन का, मैं सच बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हम लोग इससे जा रहे हैं, बहुत ही गंदा है। टिकट भी नहीं मिल रहा था इसी का मिला, तो सबने इसी का ही करवा लिया भाई। सो गाइस अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं फिलहाल, अभी एक स्टेशन पे हम पहुंचे जिसका नाम सतना है भाई, मतलब यहाँ के स्टेशन का नाम भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, सतना और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम है भाई, सतना कोटनी। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से भाई कुछ सामान वामान खरीदते हैं भाई और लेकर चलते हैं ट्रेन में। सो गाइस सबसे पहले पियेंगे भाई चाय, क्योंकि इसमें पेंट्री कार्ड लगी नहीं है फिलहाल, चाय भाई आता नहीं है, चलो चाय पीते भाई। सो भाई आ गए भी चिप्स लेने के लिए, थोड़ा चिप्स ले लेते भाई थोड़ा टाइम पास के लिए। ये क्या वाला हाँ चलो, अरे नहीं कुछ लेने लायक भाई। भाई यहाँ पे मतलब समोसे के अलावा और चिप्स के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, मतलब मैं यहाँ पे सेब वगैरह ढूंढ रहा था कि कुछ मिल जाए थोड़ा खाने पीने के लिए, बट मिल ही नहीं रहा भाई, ऐसे ऐसे स्टेशन पे ला के रोक रही है कि क्या बताऊँ मैं, चलो फिलहाल यही लेते हैं चिप्स, रात में देखेंगे फिर। सुबह से अभी रात के 9:30 बज रहे हैं फिलहाल, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी मैं खाला के यहाँ से मतलब खाला फिलहाल दूसरी बोगी में ना, तो वही मैं फिलहाल खाना ना लेके आया हूँ भाई। सो ये खाना भी थोड़ा बचा हुआ था भाई, एक्चुअली 2 रात 2 दिन हो गया, तो खाना कितना रहेगा भाई, सबके लिए खाना लेके आए थे फिलहाल, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, फिर खा के आप लोग से मिलते हैं, चलो। सुबह से फिलहाल अभी हमने खाना ना खा लिया है, और ट्रेन अभी फिलहाल स्टेशन के पहले ही मतलब 8 से 10 किलोमीटर पहले ही रुकी है भाई, पता नहीं क्या इसका सीन चल रहा है, मतलब ये जहाँ पे रुकती है भाई ना 45 मिनट आधा घंटा से नीचे मतलब चलती ही नहीं है,
तो फिलहाल अभी मैंने खाना वाना खा लिया भाई। और ये जो जो स्टेशन पर रुक रही हैं भाई, कसम से ऐसे ऐसे स्टेशन पर रुक रही हैं कि जहाँ पे मतलब कुछ खाने को मिलता ही नहीं हो, ऐसे ऐसे स्टेशन पर रुक रही है। इसमें पेंट्री कार भी नहीं लगी, अगर आदमी खाना लेके ना आए तो भाई वैसे ही रह जाएगा। तो फिलहाल चलो अब मिलते हैं आप लोग से सुबह ही, क्योंकि अब हम लोग को ये सुबह ही छोड़ने वाली है बस्ती। तो चलो भाई, क्योंकि बहुत लेट करके चल रही है। सोलो गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी सुबह के भाई 7 बज गए हैं और फिलहाल अभी हमने लखनऊ क्रॉस कर लिया है। गोंडा फिलहाल अभी आने वाला भाई, मतलब ये रात में दिखा रहा था भाई कि सुबह 7 बजे पहुंचेगा, बट अब टाइमिंग बस्ती का 9 बजे का हो गया भाई। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को 40 घंटा हो चुका भाई ट्रेन में, मतलब बस्ती में 40 घंटा हो जाएगा। और फिलहाल देखो अभी 7 बज रहे हैं और गाँव में थोड़ा फॉग फॉग भी है क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो फॉग फॉग है फिलहाल अभी। चलो भाई पहुंचा दे भाई जल्दी बस्ती तो पहुंचा दे भाई। तो भाई साहब अभी 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं भाई गोंडा, और इसके बाद इसका स्टाफ जो है फिलहाल बस्ती का भाई 9:30 बजे का दिखा रहा है। देखो 9:30 बजे पहुंचाता है या 10 बजे पहुंचाता भाई। तो फिलहाल चलो अभी कुछ खाते भाई, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, आ जाओ। तो भाई साहब फिलहाल देखो अभी हमने चाय ले लिया भाई और चाय पीते हैं, और कुछ खाने पीने का होगा भाई तो फिलहाल चल के बस्ती ही खाते हैं। सुबह से फिलहाल अभी चाय पी के तो हम लोग निकल चुके हैं भाई गोंडा से, और अभी फिलहाल ट्रेन ने अपना स्पीड तो पकड़ा है। फिलहाल देखो अगर ये वाली स्पीड से चली भाई तो 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे बस्ती, और भाई अगर बीच बीच में रुकते चला तो फिर टाइम तो अभी और लगने वाला है भाई। 40 से ज़्यादा घंटा लग गया भाई इस ट्रेन में, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन का, सच बता रहा हूँ बहुत ही गंदा। चलो कोई ना, क्या कर सकते हैं। सो भाई साहब बस्ती भी कुछ किलोमीटर और बचा हुआ है, तो फिलहाल अभी हम लोग सामान वामान निकाल रहे हैं भाई, और ये भी सामान अभी उतार के लेके चलना पड़ेगा गेट पे भाई। चलो भैया लेके चलो, एक साइड में लगाओ, कहाँ पे? अरे थोड़ा बाहर लेके चलो ना भाई। कसम से इस ट्रेन में ना एकदम झेल गए भाई, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन से कसम से। चलो फाइनली पहुंचा रही है भाई धीरे धीरे करके बस्ती भी। और भाई साहब बस्ती में मैंने फैसल को भी बुला लिया भाई, फैसल फिलहाल आ रहा है, मैं उससे भाई मतलब 3 से 3.5 महीने बाद मिलने जा रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कसम से। सो भाई सब सारा सामान लेके गेट पे भी हम लोग पहुंच चुके हैं, देखो ये सारा सामान, और ये रहा गेट भाई, इसके सामने खड़े हैं, बस बस्ती स्टेशन आने वाला है 1 से 1.5 मिनट में। सो भाई सब फाइनली भी देखो बस्ती स्टेशन पे अपना सामान वामान उतार दे भाई, और हमसे मिलने भी फिलहाल देखो कौन आया है, ये देखो भाई साहब। और क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया भाई, कैसे आप सभी लोग भाई? भाई साहब ऑलमोस्ट 3.5 महीना बाद। अस्सलाम, ये मेरे चाचा है। सफर बहुत ही गंदा था भाई इससे। कितना? 10 घंटा लेट था। 10 घंटा लेट चल रही है भाई, 10 घंटा ट्रेन लेट हो रही है। फाइनली भाई साहब 3.5 महीने बाद मिल रहा हूँ इससे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। चलो अभी घर पे मिलते हैं अच्छे से। चलो भाई साहब फाइनली स्टेशन के बाहर अभी आ चुके हैं और गाड़ी में हमने सामान वामान जो रख दिया है हम, चलो मिलते हैं भाई साहब घर पे आप लोग से।